पहुंच गए हैं यहाँ से, लेंगे टोकन हाईवे। ये क्या टोकन? ये हम मोटरवे पर अभी रुके हैं, किसी बंदे की तलाश में, कोई हमारी तस्वीर बनाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आम तौर पर। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज हमारा ट्रैवलिंग व्लॉग है। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा अभी आप। फिलहाल अभी हम जीटी रोड पर जा रहे हैं, आगे तकरीबन 4-5 किलोमीटर आगे मोटरवे है, फिर वहाँ से मोटरवे पर। तो आगे आपके लिए वीडियो के एंड पर पता चलेगा कि हम किधर जा रहे हैं। ये सामने मोटरवे पुलिस की गाड़ी गश्त कर रही है और हम अभी जो है मोटरवे इंटरचेंज टोल प्लाजा गोजरा इंटरचेंज M4। ये देखें गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। अभी हम टोल प्लाजा पर पहुंच गए हैं, यहाँ से लेंगे टोकन हाईवे। ये क्या टोकन नहीं लेना क्यों? भाई बता रहे हैं कि हमारा जो है ना यहाँ पर कोई टैग लगा हुआ है, इस वजह से हमारे टोकन हमने नहीं लिया। इसको एम टैग बोलते हैं। इसको एम टैग बोलते हैं ये। अच्छा, फिर ये कोई चार्जेस होते हैं इसके? आपके अकाउंट में कट जाते हैं। ये इनके अकाउंट में जो है ना वो कट जाते हैं। तो अभी हम ये मोटरवे पर चढ़ने वाले हैं, सामने आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर, वाओ। मोटरवे का अपना ही मज़ा है। 100 की स्पीड पर जा रहे हैं अभी। पैंसरा 18 किलोमीटर, फैसलाबाद 68 किलोमीटर। ये जो आपको सब सब प्लेटें नज़र आ रही हैं फुटपाथ पर, इनकी क्या रीज़न है? इन भाई को पता होगा। हाँ, ये इस वजह से लगी हुई है कि जब ऑपोजिट साइड से गाड़ी आ रही होती है तो उसकी लाइट्स पड़ती हाँ। हैं, उसका नाम क्या है, दूसरी साइड वाले ड्राइवर दूसरी साइड। अच्छा, जिस वजह से वो अच्छा एक किस्म का पर्दा लगाया हुआ उन्होंने, पर्दा टाइप। हाँ, लाइट को रोकने वाला पर्दा नहीं है। ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि हम किधर जा रहे हैं, आपको एंड पर पता चलेगा। तो अभी फिलहाल जो है ना सरप्राइज है, ये हमारा सरप्राइज टूर है। ये चिरागाबाद इंटरचेंज, यहाँ से उतर कर जो है ना फैसलाबाद रोड, फिर आगे जांग आगे 166 दौका। तो हम सीधा जा रहे हैं बिल्कुल मोटरवे पर, दाईपुर सुकून सफ़र। ये हम मोटरवे पर अभी रुके हैं, किसी बंदे की तलाश में, कोई हमारी तस्वीर बनाए। ये हमारा मोटरवे का सफ़र हुआ इख्तिताम। यहाँ पर भी देखते हैं कि कुछ टोकन वगैरह देते हैं कि नहीं। बिल्कुल फ्री में हमने सफ़र किया है मोटरवे का, कोई हमने कोई चार्जेस अदा नहीं किए। यहाँ पर ये रुक गए हैं, ये उनको कैसे पता चल गया है कि ये आप मांगने वाले हैं? मांगने वालों का दूर से, हम मांगते नहीं हैं। ये ताज़ा ताज़ा एक्सीडेंट, वाला माफ़ करे, हम मांगने नहीं आए। हाँ, ये अभी हम मोटरवे से उतर गए हैं, ये कमर्शियल रोड जो है उस पर हम जा रहे हैं। चांग जाना है? हाँ, वो चांग जाना है। ये क्या है सामने? बिल्कुल ये अभी नया बन रहा है। अच्छा, ये चौक बन रहा है, ये अभी नया चौक बन रहा है। हम मौजूद हैं फैसलाबाद में, फैसलाबाद के रोडों पे घूम रहे हैं। ये लंडा बाजार है पठानों का, ब्रांडेड चीजें मिलती हैं, ब्रांडेड टोपियां, ब्रांडेड एनके। तो आगे ये नहीं पता कि हम जा किधर रहे हैं, इस भाई को पता है, मुझे नहीं पता। तो वीडियो के एंड पर पता चलेगा कि हम किधर जा रहे हैं, इसलिए आपने वीडियो के एंड तक देखना है, ये सरप्राइज है। सामने जो है चिल्लड़ खड़े हैं। लोगों का चालान काटने के लिए। ये फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, दिल का हॉस्पिटल।
इसकी गाड़ी बंद हो गई, हम इशारे पर रुक गए हैं। ये इधर भी पेंट हुई खड़ी है दीवारों पर। ये सिविल हॉस्पिटल है फैसलाबाद का। तो अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि हम किसी पेशेंट के पास ही जा रहे होंगे। तो अभी मेडिकेयर हॉस्पिटल, अभी मेडिकेयर हॉस्पिटल ये सामने, ये इतना छोटा सा है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है सिविल अस्पताल के सामने बिल्कुल। तो अभी हम अस्पताल पहुंच गए हैं। यहाँ पर एक पेशेंट है, उसको लेकर जाना है वापस। अभी हम डिस्चार्ज हो गए हैं। थोड़ा सिगरेट शौक या आदत नहीं, तेरी याद वेंदी है ता पीना। सिगरेट शौक या आदत नहीं, तेरी याद वेंदी है ता पीना। आत रात कमलिया रमलिया नू आन जगेंदी है ता पीना। ਫਿਕਰਾਤ ਮਿਟਾਈਂਦੀ ਏ ਤਾਂ ਪੀਨਾ ਦੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨੇ गांव से डायरेक्ट हम फैसलाबाद से डायरेक्ट हम गांव में आ गए थे। तो जो फरूक है वो भी गांव में मौजूद है, तो हम उसको सरप्राइज दे रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं फरूक की तरफ। ये उसके गांव का जो है बाजार है। कर लो भरा। ये गांव में आया हुआ था कल से, हम इसको लेने गए हैं तो इस थोड़ा बहुत खाना खाया और जो है ना हमारी भूख नहीं मिटी, तो अभी हम इसको वापस लेकर जा रहे हैं शहर, क्योंकि कल इसने क्लास लेनी है और रास्ते में जो है ना इसको लंगर पानी करेंगे। तो अभी हम रास्ते तो अभी हम रास्ते में आगे जो है ये एक रेवड़ है गाय भैंसों का, यहाँ से जंग की अदू शुरू हो जाती है। ये जंग का बाईपास कहलाता है, तो जंग के बाईपास पर हम पहुँच गए हैं। हमारे साथ एक बेवकूफ़ शख्स है जो हर बात पर जो है ना भौंकता रहता है। ये हम इसको लेकर आए हैं इसके गांव से, इसको हमने शाम लेके जाना है। सलाम अलैकुम। फरूक ने तो रोटी नहीं खिलाई और यहाँ से उस्ताद गुलाम अली ने हमें समोसे खिलाए हैं और बोतल भी आ रही है साथ। कहीं तो आबाद हैं आप। जैसा कि आपको मालूम है मेरा नाम मोहम्मद फारूक है और आगे एक गांव है उसको फरूक ने आबाद किया, इस वजह से उसका नाम रख दिया है फरूकाबाद। ये हमें बहुत दुआएं में याद रखते हैं आजकल। बस कर वो यार बैंक तो ये समोसा आज ही समोसा था, आज ही समोसा। तो चलते हैं अभी हम रास्ते में। तो इतने लजीज समोसे इन हाजी समोसा शॉप वालों के। हाँ मैंने बहुत जगह से समोसे खाए हैं, मेरे फेवरेट भी हैं, लेकिन जो मज़ा हाजी समोसा शॉप पे आया है ना मुझे समोसे खाने में, वो कहीं मुझे मज़ा नहीं आया। इस्लामाबाद तक आए हैं हाजी समोसा शॉप है, समोसा इसका फेवरेट। आके चेक कर बच्चा, इसका फेवरेट समोसा। भाई आ जाओ। तो ये था छोटा सा एक ट्रैवलिंग व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये आज का हमारा टूर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये एक बेचारा, इसको हाँ वाह वाह, ये इसकी अलमारी है, ये यहाँ पर जो कपड़े प्रेस हुए हुए, जो कपड़े इस्त्री करता है वो यहाँ पर रखता है। ये दो इसने सूट इस्त्री करवाए हैं और अभी ये किए करवाए सुबह दिए थे, इस टाइम उठाने की रस्म खुद खुद ही कर दी। ये यहाँ से जो है ना दीमक भी लग सकती है कपड़ों को वगैरह, दीमक और सुराख वगैरह कर देते हैं ना। इधर अच्छा इधर ना रखने, हाँ इधर रख दो, इधर भी होता है वो खतरा, नहीं इधर कपड़े खराब हो जाते हैं। मेरे पास सुनो, इधर ठीक है, तो व्लॉग को बोर नहीं करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को यहाँ पर करते हैं एंड, उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो गरीब अल्लाह हाफिज़ गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं छत पर सोने, कंबल वगैरह लेकर। ये सीढ़ियाँ हैं पुराने ज़माने की। ये कुछ इस तरह का सीन है, चार पाई लेकर आओ जल्दी, आओ मेरा बिस्तर बनाओ, रेडी करो।